हमारे चैनल तबलीग टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तंबाकू और सिगरेट का कारोबार। आबिद साहब बेंगलोर से पूछते हैं, क्या तंबाकू और सिगरेट का कारोबार जायज़ है और इसकी आमदन का क्या हुक्म है? तंबाकू और सिगरेट के कारोबार बहुत से उलमा, अरब उलमा ख़ास तौर पर, उनके नज़दीक बिल्कुल हराम है, तंबाकू का इस्तेमाल भी सिगरेट का इस्तेमाल भी। जो बर्रे सगीर के उलमा हैं, हिंद पाक और बांग्लादेश के उलमा, वो तंबाकू और सिगरेट को मकरू कहते हैं, हराम नहीं कहते। तो अरब उलमा की जो दलील है वो ये है कि कुरान मजीद में साफ़ तौर पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। इसमें कुरान की बहुत सारी आयतें हैं कि, और वो कहते हैं कि जो सिगरेट है और तंबाकू है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान नहीं है। सिगरेट कैंसर का ज़रिया बनती है और बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया बनती है, और तंबाकू भी इसी तरह बिल आखिर इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। तो ख़ुदकुशी जैसे खंबे से चिपक के मरना हराम है, तो ऐसे ही स्लो पॉइजन दे दे के अपने आप को मारना भी नाजायज़ है। जो बर्रे सगीर के उलमा हैं वो ये कहते हैं तंबाकू और सिगरेट ये मकरूह है, हराम नहीं है। मकरूह का मतलब, मकरूह इसलिए है कि इससे इंसान हलाक तो होता है लेकिन यकीनी हलाकत नहीं है। कई कई लोग 20-20 साल तक सिगरेट पीते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता उनको, और यानी यकीनी नहीं है। वो कहते हैं वो ख़ुदकुशी जिसमें मौत यकीनी या गालिब दर्जे में हो, वो उस ख़ुदकुशी को हम हराम कहेंगे। बाकी जो आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह लेकिन फौरी ज़रर उसका ना होता हो, बल्कि उसकी तलाफ़ी भी हो सकती हो, जैसे तंबाकू या सिगरेट से जो नुकसान होता है, बाज़ दफ़ा उसकी किसी दवा के ज़रिए या ऐसी सेहतमंद खुराकें के ज़रिए कहते हैं कि उसकी तलाफ़ी भी हो सकती है, तो नापसंदीदा तो है इसलिए कि बहरहाल नुकसानदेह है, इस पर तो तमाम डॉक्टरों का इजमा है, लेकिन फौरी नुकसान नहीं होता। यानी आप उसको उस ख़ुदकुशी पे कयास नहीं कर सकते कि एक आदमी खंबे से चिपक के फौरन मर जाए और एक सिगरेट पी पी के मरे, तो दोनों ख़ुदकुशियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसमें यकीन नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे जैसे शुगर का मरीज़ अगर लड्डू खाए तो उसको हम हराम तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि बहरहाल उसमें मौत यकीनी नहीं होती। हालांकि नुकसान शुगर के मरीज़ को लड्डू खाने का होता है, लेकिन फौरी नुकसान नहीं होता, उसके असरात देर पा होते हैं। हम जो पानी पी रहे हैं ये भी नुकसानदेह, ये जो हवा आलूदा हो रही है डीजल कारों से और वो जो धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियां, तो वो भी तो हराम है, नाजायज़ है, इस लिहाज से कि उससे भी इंसानी सेहत को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा हराम नहीं कहेंगे कि जैसे खंबे से चिपक के मरने वाला, खुदकुशी करने वाला। तो अपने आप को नुकसान पहुँचाने के दर्जात हैं, फौरी नौयत का ज़रर हो तो वो बिल्कुल हराम है, और उससे कम दर्जे का हो तो हराम नहीं, मकरूह है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिगरेट पिएँ और लोगों को पिलाएँ, बहरहाल ये नापसंदीदा है, मकरूह है, और अगर किसी को डॉक्टर बता दें कि आपके लिए सिगरेट इंतहाई नुकसानदेह और आपके मौत का गालिब गुमाने के आप सिगरेट पी के, यानी आपके गालिब गुमाने के आप मर जाएंगे, तो फिर ऐसे शख्स के लिए यकीनन सिगरेट पीना हराम हो जाएगी। तो इसलिए ये गंदा काम है, उलमाए बर्रे सगीर भी इसको अप्रिशिएट बहरहाल नहीं करते। मकरूह का मतलब ये होता है कि कोई करने की चीज़ नहीं है, ना इसका बिज़नेस करना अच्छा काम है और ना सिगरेट पीना और तंबाकू खाना अच्छा काम है। बाज़ चीज़ें हराम नहीं होती उस दर्जे में, लेकिन पसंदीदा भी नहीं होती, और फिर सिगरेट का जो नुकसान है वो तंबाकू से भी ज़्यादा है, तो इसलिए सिगरेट में जो कराहत है वो तंबाकू से ज़्यादा। तो जैसे जैसे कराहत बढ़ेगी उसी हिसाब से उसकी अर्निंग में कराहत पैदा होती चली जाएगी। तो खालिस हराम तो हम नहीं कहते, लेकिन बहरहाल ऐसे पाकीज़ा और तैयब माल भी नहीं है, जैसे कुरान ने कहा कुलू मिनत तैयबात, पाकीज़ा चीज़ें खाओ। तो ये सिगरेट और तंबाकू पाकीज़ा चीज़ों में बहरहाल दाखिल नहीं है, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन हम बहरहाल इसको बिल्कुल ऐसे हराम होने का फतवा नहीं देते, नापसंदीदा होने का, मकरूह होने का फतवा देते हैं।